हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी की बात करने वाले हैं। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से अलग अलग जगहों से वैकेंसी है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज जो है यहाँ पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। पोस्ट वाइज जो है सभी विषयों में वैकेंसी है। आपको जो है अपना सब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो है जगहों के नोटिफिकेशन हैं। इस वीडियो में हम सारे नोटिफिकेशन एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज वो तो समान ही रहेगी। सैलरी मैंने आपको बता दी है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है रहने वाली है पोस्ट वाइज। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कैसे जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है, कोई एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। पहले भी जो है यहाँ से वैकेंसी जारी की गई है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, सैलरी पैकेज जो आप यहाँ पर देख लें, 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो है सैलरी रहने वाली है। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। चलिए अब सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की, तो जिन जिन जगहों से वैकेंसी है उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देखें रायगढ़, ये स्कूल रायगढ़ है और यहाँ से वैकेंसी है। लोधी वाली ईस्ट मुंबई, रायगढ़ से वैकेंसी है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोधी वाली रायगढ़ एक स्कूल है, ये सभी अलग अलग स्कूल हैं। बड़ोदरा गुजरात में है और RSEM ये भी बड़ोदरा गुजरात में है, और एक स्कूल जो गुजरात का ये निकल गया RFS बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, इसमें जिन जिन स्कूलों से वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन चेक करेंगे। कोपर खेरेन नवी मुंबई से है, मोड़ा नागपुर से है, RFS दाहेज गुजरात से है, सूरत से है, जामनगर से है, ठीक है, और नागोथाने से है। ठीक है, ये सारे हैं वैकेंसी। अब एक एक करके जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कोपर खेरेन नवी मुंबई से, तो लिंक आप लोगों को सभी स्कूलों का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है आप लोगों को ये पेज ही दिखाई देगा, क्योंकि यही लिंक आप लोगों को शेयर मैं करूंगी। तो जैसे कि आप जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कोपर खेरेन नवी मुंबई से, तो आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने होगा। करियर सेक्शन यहाँ पर सबसे ऊपर टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन प्लीज, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर जो है फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, और जिनमें अनुभव चाहिए होता है, जैसे कि हायर जो पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस है, हेडमिस्ट्रेस है प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल के लिए, तो इसमें तो अनुभव चाहिए ही होता है। TGT PGT PRT के लिए आप देखें वहाँ पर कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं। हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के लिए इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और 7 से 10 साल का अनुभव इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस के लिए, डिप्टी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेस इसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में या ग्रेजुएशन के साथ में, इसमें बीएड नहीं, 5 से 7 साल का अनुभव आपका इस पोस्ट का आपको पहले रहा हो। असिस्टेंट आईटी मैनेजर की वैकेंसी है, तो इसमें भी जो है 5 से लेकर 7 साल का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपका डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ में। ठीक है, इसमें तो केवल यही वैकेंसी है और इसमें सैलरी आपको बता दी है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये वैकेंसी भरूच गुजरात से है। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहेंगे, किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को करियर सेक्शन में ऊपर ही मिल जाएगा अप्लाई करने का ऑप्शन। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेस पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में बीएड 3 से 7 साल का अनुभव, या 3 साल का कम से कम, या अधिक से अधिक 7 साल का तो हो। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में ECCED या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो, बिना अनुभव के आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है और इसमें भी कोई अनुभव नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड वाले अप्लाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ में
3 साल का अनुभव। तो जो टीचिंग लाइन में तो कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं, बाकी जो हायर पोस्ट है उसमें अनुभव मांगा जा रहा है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए वैसे तो आपको ये लिंक यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सभी स्कूलों के लिंक जरूर शेयर किए जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इस पेज को आपको पढ़ना है और ऊपर क्लिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है लोधीवली तालुका खालपुर रायगढ़ महाराष्ट्र से वैकेंसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो अप्लाई करने का ऑप्शन है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, सभी विषयों की वैकेंसी है, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के। साइंस में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, तो आपका जो इसमें मास्टर डिग्री के साथ में बीएड। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में जो है, अभी सी टेट या टेट का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिना सी टेट टेट के आप यहाँ अप्लाई करें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में भी सभी विषयों की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो है कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, थोड़ी बहुत इंग्लिश और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी बता दी मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है मगडाला रोड सूरत गुजरात से। ठीक है, वैकेंसी जो है यहाँ पर आती ही रहती है, ये अप्लाई करने का ऑप्शन है इसमें भी। बेसू सूरत ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, 7 साल के अनुभव के साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के साथ में। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, कोई अनुभव नहीं इसमें चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में बीएड जरूर होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड एंड आरसीआई सर्टिफिकेशन वाले। काउंसलर की वैकेंसी है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में आपकी, और आपके पास जो है ग्रेजुएट काउंसलिंग का डिप्लोमा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका स्कूल साइकोलॉजी में या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, या फिर इसके कोई समकक्ष अगर आपके पास कोई योग्यता हो, अनुभव हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी की जो है इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। मोडा नागपुर से वैकेंसी है ये, इसमें जो है हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस, तो सभी में क्वालिफिकेशन तो सेम है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में बीपीएड या एमपीएड वाले। काउंसलर की वैकेंसी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में। ठीक है, और सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी रहने वाली है। अब ये पूरा जो है आप दोबारा से पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं जल्दी से ही जो है कवर कर दे रही हूँ। क्वालिफिकेशन मुझे तो सभी में समान दिख रही है, लेकिन आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई करेंगे तो ये पूरा पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करेंगे। उसके बाद वैकेंसी जो है यहाँ पर 3 स्कूलों में है। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम में है, ये बड़ोदरा में है। रिलायंस स्कूल इंग्लिश मीडियम, ये बड़ोदरा में है। रिलायंस स्कूल ये गुजराती मीडियम में है केवल, तो ये बड़ोदरा में है। ठीक है, तो आप देख लें आप जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कोई फीस नहीं है तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंसिपल के लिए तो काफ़ी जो है 10 से 12 साल का अनुभव, हेडमिनिस्ट्रेटर के लिए 7 से 10 साल का अनुभव, कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सेक्शन के लिए 5 से 7 साल का अनुभव। प्राइमरी टीचर्स में तो सभी विषयों में वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में, सभी में वैकेंसी है, लेकिन तीनों के लिए आपको बीएड जरूर होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो प्राइमरी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना जरूरी है। इसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, तो इसके लिए भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में बीपीएड एमपीएड वाले अप्लाई करेंगे। काउंसलर की वैकेंसी के लिए साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, काउंसलिंग और क्लिनिकल, इसका जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी में होना जरूरी है।
ठीक है। और भी वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव जिसमें ग्रेजुएशन के साथ में 3 साल का अनुभव है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव में तो अकाउंट में काम करने का आपका ग्रेजुएशन के साथ में 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक जो है बता देती हूँ अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म को आप जैसे ही देखेंगे क्लिक हेयर इस पर क्लिक कर लेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में दी जाएगी। जो भी नए कैंडिडेट हैं जॉब सर्च कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी वीडियोस बनते हैं बिल्कुल नए नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं वो सभी आप लोगों को बताए जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर तो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। जब जैसे ही पूरा फिल कर लेते हैं यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। अभी जो है सबसे पहले एंटर कैप्चा इसको फिल करना है, JMHU और स्मॉल r 5 स्मॉल u। पर्सनल डिटेल भर लेंगे आप, जहाँ पर आपको स्टार नज़र आ रहा है, जहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है ये आपको भरने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम डाल देंगे, यहाँ पर नेम डाल देंगे, इसी तरीके से सब्जेक्ट आप डाल देंगे कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि सभी विषयों में वैकेंसी है PGT TGT PRT में, ठीक है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। उसके बाद अदर जो है इसको तो बिल्कुल नहीं भी फिल करेंगे, इफ़ अदर इसको भी नहीं फिल करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनमें स्टार लगा हुआ है मैंने बताया उनको तो फिल करना ही है। मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ज़रूर डालेंगे क्योंकि इसी के द्वारा आपको पता चलेगा कि ये रिटन एग्ज़ाम के द्वारा लेंगे या फिर कोई इंटरव्यू आपका रहेगा। वैसे तो इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन रहता है, मान लीजिए कहीं कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो रिटन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में जो है फ़ोटो अपलोड कर देंगे या चूज़ फाइल, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। फिर सेकंड ये पर्सनल डिटेल आपने फिल कर ली, फिर एजुकेशन डिटेल आप फिल कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल कर लेंगे, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपका 0 है तो आप जो है यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी है, आपने जो है पहली बार जो है यहाँ टीचिंग लाइन में आप एंटर कर रहे हैं तो आपके पास जो है कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आपके पास कोई सैलरी वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 0 फिल ज़रूर करना है आपको, फिल ज़रूर करना है, जो स्टार लगा हुआ है उन पे फिल ज़रूर करना है आपको, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, फिल ज़रूर करना है आपको, कोई भी यहाँ पर आप खाली नहीं छोड़ेंगे। लिंक आप लोगों को सभी स्कूलों का बिल्कुल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई फीस नहीं है तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।